नमः शिवाय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष मंगलवार नवमी तिथि दिन में 1:30 बजे तक लगी रहेगी, तत्पश्चात दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र दिन में 4 बजे तक लगा रहेगा, तत्पश्चात मघा नक्षत्र लग जाएगा। आश्लेषा नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, काल्पनिक प्रवृत्ति वाले, हंसमुख और धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं। ऐसे जातक कला में रुचि रखने वाले, साहित्य और संगीत के प्रेमी, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखने वाले और यात्रा प्रधान मानसिकता के होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा केतु, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज दिन में 4 बजे तक कर्क राशि में ही चलते रहेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे जातकों की 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में गंड मूल शांति करानी चाहिए। मेष राशि के जातकों के आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास की गतिविधियां बढ़ेंगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे। अपने कार्य क्षेत्र में सामने वाले के मंतव्य को बारीकी से समझकर निर्णय लेना उचित रहेगा और उसमें आप सफल रहेंगे। अपने जीवन स्तर में सुधार की प्रक्रिया चालू होगी और बहुत दिनों से सोचे हुए गृहस्थी संबंधी कार्य पूरे होंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल होगा। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। वृष राशि के जातकों के स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार होता जाएगा और मानसिक बल में वृद्धि होगी और दोपहर के बाद मानसिक सुकून महसूस करेंगे, मगर चंद्रमा के केतु के नक्षत्र में होने से कार्य क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा। व्यावसायिक गतिविधियां अनुकूल रहेंगी, रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा, मगर अपने विभागीय अधिकारियों के सहयोग में कमी संभावित है। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है, विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल है। किसी अतिथि के आगमन से मन प्रसन्न होगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। मिथुन राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र में थोड़ी कमी और मानसिक दबाव संभावित है। चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं, हर काम के प्रति अनावश्यक व्यग्रता और जल्दबाजी की प्रवृत्ति बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव भी सामने आते रहेंगे, सकारात्मक पहल जारी रखें, आर्थिक लाभ मिलता जाएगा। साझेदारी के कामों में व्यग्रता और जल्दबाजी उचित नहीं होगी, अध्ययन अध्यापन में उचित सहयोग और प्रेरणा मिलती रहेगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मगर पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देना होगा और शाम का समय राहत व सुकून वाला महसूस होगा। कर्क राशि वाले जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना होगा। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से मन खिन्न हो सकता है और थकान संभावित है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें, शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। दोपहर बाद अतिरिक्त आर्थिक लाभ संभावित है। बच्चों के व्यवहार और प्रतिक्रिया से तनाव हो सकता है, सामंजस्य बनाए रखें। शनि, मंगल और राहु का प्रतिकूल प्रभाव आपके ऊपर जारी है। विद्यार्थियों के लिए संघर्ष भरा दिन होगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों का दोपहर तक अनावश्यक भाग दौड़, अनचाही यात्रा और खर्चा वाला मिला जुला समय रहेगा, मगर दोपहर के बाद मानसिक रूप से अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। पहले से चले आ रहे नकारात्मक विचार और मानसिक दबाव खत्म होंगे, कार्य योजनाओं की सार्थक पहल जारी रहेगी, रुके हुए काम भी चालू हो सकते हैं, अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और सफल महसूस करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए दोपहर तक का समय कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ और उसको व्यवस्थित करने में बीतेगा, मगर दोपहर बाद चंद्रमा के सिंह राशि में आने से कार्य योजनाओं के नए अवसर सामने आएंगे। संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है, साझेदारी के प्रस्तावों में मित्र व सहयोगियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, आर्थिक लाभ बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें।
तुला राशि वाले जातकों के लिए सुबह से चली आ रही स्थिति में दोपहर के बाद से काफ़ी सुधार होगा। आर्थिक लाभ की अनुकूलता में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में चली आ रही दुविधापूर्ण स्थिति खत्म होगी। कार्य योजनाओं की रूपरेखा का निर्माण होगा और आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। साझेदारी के कामों में आपके प्रयास सार्थक होंगे, मगर विभागीय अधिकारियों को सावधानी अपेक्षित है। महत्वपूर्ण निर्णय में अधिकारियों का हस्तक्षेप संभावित है। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी संतुष्टि महसूस होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज दोपहर तक का समय कामों में रुकावट और दुविधापूर्ण मानसिकता के बीच लगा रहेगा, मगर दोपहर के बाद चंद्रमा के सिंह राशि में आने से कार्य क्षेत्र के विकास के प्रति केंद्रित होगा और नई कार्य योजनाओं को लागू करने में सहयोग मिलेगा। संबंधित मामलों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और यात्रा संभावित है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि वाले जातकों को कुछ दिनों से अपने मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा था, मगर आज दोपहर के बाद से राहु चंद्रमा की युति समाप्त हो जाएगी। कार्य क्षेत्र की संतुष्टि बनने लगेगी और सहयोग मिलने लगेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे जिसमें शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग शामिल होगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, संबंधित मामलों में यात्रा का योग बना हुआ है। धार्मिक भावना बलवती होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा है, सफलता संभावित है। मकर राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में सुकून और प्रतिष्ठा मिलेगी। अपने और विभागीय कर्मचारियों के कामों के गुणवत्ता में वृद्धि होगी। अपनी कार्य योजनाओं को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा और सहयोग मिलता रहेगा। साथ ही साथ घर को सजाने संवारने और सुसज्जित करने में मन लगेगा। छोटी यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है, अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। आर्थिक लाभ की गति सामान्य रहेगी, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन पिछले दिनों की अपेक्षा अच्छा रहेगा। मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में आराम मिलेगा। कार्य क्षेत्र में निरंतरता बनी रहेगी, शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। रुके हुए काम सुलझ सकते हैं और साझेदारी लाभदायक रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। वैवाहिक प्रस्ताव के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी, मगर भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मीन राशि वाले जातकों को आज भी सावधान रहना चाहिए। विरोधी पक्ष सक्रिय रहेंगे, किसी मामले में साजिश के शिकार हो सकते हैं। आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। नए प्रस्ताव के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य के लिए टाल दें। आर्थिक मामलों में सहयोग संभव है, संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन दुविधापूर्ण रह सकता है और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।